बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं हसान फरीद आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हम लोगों ने पढ़नी है जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू क्या होती है पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है आरएमएस वैल्यू क्या होती है आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम वैल्यूज पढ़ने लगे हैं ये टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने चैप्टर नंबर थर्टीन जब डायरेक्ट करंट पढ़ा था वहां पर तो नहीं पढ़ी तो हम ये भी जानेंगे कि आज ये वैल्यूज क्या हैं और ये भी जानेंगे कि ये पहले इनकी जरूरत क्यों नहीं पेश आई तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हम करंट की यूज करेंगे उनके नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताऊं पहले तो हम ये देखते हैं कि जब लोगों ने चैप्टर नंबर थर्टीन पढ़ा और वहां डायरेक्ट करंट पढ़ा तो डायरेक्ट करंट के लिए हमने डिफरेंट वैल्यूज क्यों नहीं पढ़ी वहां पर जब भी डायरेक्ट करंट का जिक्र आता था तो मैं ये नहीं कह रहा था एवरेज करंट पीक करंट बल्कि मैं सिंपल आपके सामने करंट बोल देता था उसकी स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी वजह है अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब डीसी सोर्स जैसे कि सेल या बैटरी है इसको हम एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो आप लोग जानते हैं उसमें चार्जेस का एक फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है चार्जेस के इस फ्लो में खास बात यह है कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चार्जेस मूव करते रहते हैं यानी कि ये जो करंट है ये एक स्टडी या कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है ऐसे करंट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम के लिहाज से तो आप देखते हैं टाइम के लिहाज से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती दस अगर आप गौर से देखें मैं आपसे पूछूं अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीसी क्या है इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी डीसी की वैल्यू क्या है तो आप लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीसी अगर मैं इस लम्हे देखूं

तो क्योंकि करंट चेंज ही नहीं हुआ तो एवरेज भी 10 एम्पेयर ही आएगा इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पेयर है पीक वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पेयर है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पेयर है इसका मतलब फिर हमें ये डिफरेंट टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब आंसर ही टेन आना है तो मैं बजाय डिफरेंट टर्म्स यूज करूं मैं बस डीसी के अंदर डायरेक्ट करंट के अंदर मैं ये कह देता हूं कि करंट टेन एम्पेयर है वो पीक भी होगा वो एवरेज भी होगी वो इंस्टेंटेनियस भी होगी तो इस वजह से जब चैप्टर नंबर में हम लोगों ने डिस्कस किया तो डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज को डिस्कस नहीं किया वहां बनता नहीं था डिस्कस करना यहां पर बनता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसको जब हम एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो लगाते हैं तो रजिस्टर में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करता है आप देख रहे हैं चार्जेस अपनी पोजिशन पर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो वो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है इस वेव फॉर्म में खास बात ये है कि यहां मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट नहीं है बल्कि इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो करंट जीरो है और फिर करंट मुसलसल बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है और फिर उसके बाद दोबारा से कम होते होते जीरो हो रहा है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कम होते होते जीरो हो रहा है तो इसका मतलब यहां तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है अब यहां पर जब मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो पीक वैल्यू कुछ और होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ और होगी एवरेज कुछ और आएगा इस वजह से यहां पर ये ये हम पढ़ रहे हैं तो तो सबसे पहले तो आपको ये फर्क करना जरूरी है अब सबसे पहली वैल्यू जो आपको करंट की पता होनी चाहिए वो क्या है स्टूडेंट्स वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है अब अगर आप गौर से देखें डिफरेंट पॉइंट वैल्यू है करंट की अगर मैं आपसे कहूं इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी थी तो आप लोग देखेंगे वैल्यू तो यह थी इस लम्हे ये थी आगे जाकर तो चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये इस लम्हे की करंट की वैल्यू है यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है और अगर मैं आपसे पूछूं इस लम्हे करंट कितना था तो आप यहां से एक्सिस पर यहां पर करंट की वैल्यू देखकर मुझे बताया गया कि इस लम्हे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है आपके साइकिल के अंदर किसी भी लम्हे करंट की क्या वैल्यू होगी इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इंस्टेंटेनियस का मतलब हर लम्हे की वैल्यू तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिखते हैं वैल्यू ऑफ alternating current or voltage क्योंकि आप लोगों को मैंने last lecture में बताया कि alternating current और voltage के graph बिल्कुल एक जैसे थे तो so, the value of alternating current or voltage that exist in the circuit जो आपको circuit के अंदर मिलेगी at एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वक्त के किसी खास लम्हे टाइम टी इज कॉल्ड किसी खास टाइम टी वो टाइम कुछ भी हो सकता है इज कॉल्ड उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वो ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या alternating voltage की instantaneous वैल्यू कहलाएगी और स्टूडेंट्स वो कितनी होगी किसी भी लम्हे उसके लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए वो इक्वेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं लास्ट टाइम वो इक्वेशन थी करंट के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा और वोल्टेज के लिए थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अब ये साइन थीटा क्यों आया है क्योंकि वो साइन कर्व है ये चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की यहां याद रखिएगा ये i या ये V ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यह बताया था कि इस फॉर्मूला की कुछ एक्सटेंशन हैं। इसको हम मजीद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा जो है वो ओमेगा टी होता तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और फिर यही काम हम यहां कर सकते हैं तो वी नॉट साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं और ओमेगा टू पाई एफ होता है तो हम आई जिकस टू आई नॉट साइन टू पाई एफ टी लिख सकते हैं और यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आज का आर्टिकल नहीं है ये तो एक्चुअली कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको हम वन ओवर टी लिख सकते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम डिफरेंट तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एसी क्या है तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एसी जो है वो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ एसी है पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या है जरा इमेजिन करें कि वही हमारी जो वेव फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी लम्हे करंट की वैल्यू क्या होगी तो आप लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी और हमारे पास हर लम्हा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है आप देख रहे हैं चेंज हो रही है लेकिन अगर आप इस लम्हे पर देखें तो आप देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम हो चुकी है इससे ज्यादा वैल्यू आपको इस साइकिल में नहीं मिलेगी ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं ये पीक वैल्यू है तो पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी होती है यानी एक खास लम्हे की वैल्यू होती है लेकिन कोई भी लम्हे की नहीं बल्कि वो खास लम्हा कौन सा है जब करंट मैक्सिमम हो जाए साइकिल में तो याद रखिएगा पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग अ साइकिल एक साइकिल के अंदर करंट के एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आएगीनेटिव करंट की वो पीक वैल्यू होगी अच्छा बच्चे क्या समझते हैं बच्चे समझते हैं कि ये पीक वैल्यू है और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये तो बहुत नेगेटिव में गई हुई है याद रखिएगा ये भी पीक वैल्यू है सिर्फ फर्क यह है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है वरना अफेक्ट्स के लिहाज से ये दोनों करंट्स एक जैसे हैं सिर्फ इसमें चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन चेंज है तो याद रखिएगा कुछ बच्चे समझते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव का मतलब यहां सिर्फ डायरेक्शन को शो करना है कि चार्जेस ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लिया करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया लेकिन करंट चाहे माइनस ट्वेंटी एम्पेयर हो चाहे प्लस ट्वेंटी एमपेयर हो करंट आपके पास एक जैसा इफेक्ट रखता है अब स्टूडेंट याद रखिएगा पीक वैल्यू ऑफ एसी का सिंबल है आई नॉट ठीक है पीक वैल्यू ऑफ एसी जो है वो आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अब स्टूडेंट्स ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो इक्वेशन इस इक्वेशन में एक्चुअली मैं अगर आप गौर से देखें तो ये क्या था ये आई नॉट आपकी पीक वैल्यू थी और ये आई के बारे में आपको बता चुका हूं ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी इसका मतलब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है इस इक्वेशन में खास बात है और वो ये है कि ये रिलेशनशिप बिल्ड करती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट के दरमियान अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो वेव फॉर्म मैं दिखाऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर वो यही है इस वेव फॉर्म में खास बात यह है कि ये वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि आप पॉजिटिव पीक वैल्यू जितनी देखेंगे नेगेटिव पीक वैल्यू भी उतनी ही देखेंगे लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है आपके जो बुक है उसमें ऐसा ही होगा लेकिन समटाइम्स आपको एक वे फॉर्म कुछ इस तरह से भी दिख सकती है अब मैं यहां पर अगर पीक वैल्यू बोल दूं कि पीक वैल्यू सपोज करें यहां पर 10 एम्पेयर है तो ये तो पीक वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की हुई नेगेटिव साइकिल में आप देख रहे हैं 10 एम्पेयर नहीं बन रहा तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको यहां कैसे बताऊंगा कि यहां पर कितनी वैल्यू है करंट की क्योंकि मैं पीक नहीं बता सकता क्योंकि दोनों तरफ की पीक सेम नहीं है तो यहां पर हम एक काम करते हैं हम पीक टू पीक वैल्यू ले लेते हैं तो हमें मालूम है ये जो हमारे पास वैल्यू है ट्वेंटी एम्पेयर्स की और ये जो हमारे पास पीक वैल्यू है माइनस टेन एंपेयर्स की हम माइनस को भूल जाते हैं हम इन दोनों पीक वैल्यूज का सम ले लेते हैं तो ये जो टेन प्लस ट्वेंटी एम्पेयर बनी यानी कि थर्टी एंपेयर ये हुई पीक टू पीक वैल्यू तो यहां पर हम लोगों ने पीक से दूसरी पीक तक की टोटल वैल्यू आप लोगों को बताई तो इसमें हम लोगों ने दोनों पीक को सम कर दिया लेकिन उसमें जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको तो याद रखिएगा हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है सम ऑफ द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम है उसे हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम यू भी कह सकते हैं पी डैश पी वैल्यू जिसका मतलब क्या है पीक टू पीक वैल्यू अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने सिलेबस के लिहाज से देखें तो हम लोगों ने तो ऐसी साइन कर्फ पढ़नी है और इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास ये पीक वैल्यू आई नॉट है तो ये पीक वैल्यू माइनस आई नॉट होगी लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि आपने माइनस को इग्नोर कर देना तो आप लोगों ने अगर पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास इन दोनों का सम करना पड़ेगा और वो तो आ जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट यानी कि टू आई नॉट तो याद रखिएगा पीक टू पीक वैल्यू हमारे सिलेबस के लिहाज से कितनी होती है जी पीक टू पीक वैल्यू होती है टू आई नॉट मैं फिर बता चलू हमारे सिलेबस के है, के लिहाज से सिमेट्रिकल साइन कर्व लिए अब स्टूडेंट्स ये तो हो गई तीन स्मॉल किस्म की टर्मिनोजी जिसको इतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करते हुए बट अब हम चलते हैं फोर्थ टर्मिनोलॉजी फोर्थ वैल्यू ऑफ करंट जो कि ना सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि थोड़ी सी मुश्किल भी है अब उसमें क्या मुश्किल है वो हम जानते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर तो आइए चलें स्टूडेंट देखते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है आइए स्टूडेंट्स अब हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट क्या है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग ये देखें कि अगर मेरे पास एक एसी सोर्स किसी लोड से अटैच है और उस सर्किट के अंदर करंट पास कर रहा है और मैं वो करंट मैयर करना चाहता हूं तो मैं एक मीटर जो है वो करंट के रस्ते में आपके सामने लगाता हूं जरा थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि यह मीटर जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता सकता है अगर यह मीटर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता सकता है आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी वेब फॉर्म कुछ ऐसे होगी और उसकी वेव फॉर्म अगर आप गौर से देखें तो उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बल्कि यहां पर तो हमारे पास करंट जीरो है लेकिन उसके बाद करंट जो है वो मुसलसल बढ़ते 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 मैक्सिमम पर आ रहा है और फिर कम होते होते आप देखेंगे कि वो जीरो पर आ रहा है और फिर आप देखेंगे कि वो नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो कम होते होते जीरो हो रहा है तो इस पूरे साइकिल को अगर आप दोबारा से एक दफा देखें तो आप देख रहे हैं कि हर लम्हा करंट चेंज हो रहा है और वो जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अंदर जो मीटर लगा हुआ वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बता सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वो मीटर आप देखेंगे तो उस पर तो आपको कुछ इस तरह का सिस्टम नजर आएगा क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर लम्हा चेंज हो रही है करंट है ना इसका मतलब क्या आप इस मीटर को देखकर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं क्या कुछ स्टडी कर पाएंगे आप नहीं ये तो इतनी तेजी से वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रही है कि आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है सर्किट में इसका मतलब हमें ऐसा मीटर तो हरगिज नहीं चाहिए एसी के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सके क्योंकि हमारे काम का वो नहीं है अब स्टूडेंट्स आइए जरा मैं एक आम डीसी मीटर जिससे डायरेक्ट करंट मैयर करता हूं वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में लगा देता हूं अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये क्या मैय करता है क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये करता है नहीं याद रखिएगा ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मैर करता है एक में कितना एवरेज करंट पास किया आप से हमारे पास वो जो का है उस के में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं और आप देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स में यहां पर करंट जीरो है यहां पर प्लस वन है यहां पर प्लस टू एम्पेयर है यहां पर प्लस थ्री एम्पेयर है और फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास दोबारा से प्लस टू एम्पेयर है प्लस वन एम्पेयर है फिर जीरो और फिर जब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस वन एमपेयर माइनस टू एमपेयर माइनस थ्री एम्पेयर और फिर रिवर्स डायरेक्शन में करंट दोबारा से कम होना शुरू होगा तो ये माइनस टू एम्पेयर माइनस वन एमपेयर और जीरो एम्पेयर अगर मैं इस पूरे साइकिल का एवरेज निकालो आपको मालूम है एवरेज कैसे निकालते हैं एवरेज इस तरह से निकालते हैं कि आप सारे करंट की वैल्यूज को एड करो और जितनी वैल्यूज हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो तो अब मैं ये सारे करंट की जो वैल्यूज हैं ये मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिए अब स्टूडेंट्स अगर आप इनको काउंट करें तो हमारे पास ये इतनी वैल्यूज बन रही है उससे डिवाइड कर देते हैं लेकिन जब आप ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पर जो प्लस वन है इसका बिल्कुल ऑपोजिट माइनस वन भी एग्जिस्ट करता है यहां पर तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस टू माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा प्लस थ्री माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा हेंस ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर तो बचेगा जीरो और फिर जो मर्जी नंबर नीचे डिवाइड हो रहा आंसर तो आएगा जीरो तो यहां खुलासा क्या है खुलासा यह है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू जीरो आती है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको याद रखिएगा यह पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में कि एक कंप्लीट साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट का साइकिल उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है क्यों भला क्योंकि जो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव में एग्जिस्ट करती हैं वही वैल्यूज आपके पास नेगेटिव साइकिल में भी एग्जिस्ट करती हैं तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो जीरो हुआ अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी उस डायग्राम की तरफ जो हमारे पास ये बता रही है कि ये जो डायरेक्ट करंट वाला मीटर है क्या मैयर करता है एवरेज करंट मेजर करता है पूरे साइकिल में और ये तो अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है और अल्टरनेटिंग सोर्स का एक पूरे साइकिल में एवरेज कितना आता है जीरो तो ये मीटर यहां पर लगा होगा और करंट बह रहा होगा लेकिन ये आपको जब भी एवरेज बताएगा ये 0 एम्पियर्स बता रहा होगा और स्टूडेंट्स आप लोग समझेंगे कि वहां से करंट पास नहीं कर रहा और ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है हो सकता है कोई शख्स एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के अंदर एक डीसी मीटर लगाए और डीसी मीटर लगाकर देखे तो उसको पता चले तो है। अब उस को नहीं पता कि करंट तो है। लेकिन जीरो आ रही है बहरहाल वो तो मीटर पर अपना भरोसा रखेगा और वो समझेगा कि करंट जीरो है। लेकिन अगर उसने ये सर्किट में हाथ लगा दिया इसको टच कर दिया तो आप देखेंगे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा इसका मतलब कि हमारे पास एक डीसी मीटर

लेकिन एवरेज जरूरी बड़ी है अब मैं क्या करूं कि मेरे पास एवरेज के मुतबाद कोई चीज आ जाए अब स्टूडेंट्स जरा उस सर्किट को फिर से देखिए जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो डीसी मीटर है वो करंट जीरो शो कर रहा है लेकिन बल्ब का जलना यह बता रहा है कि भाई पावर जीरो नहीं है यहां एक बच्चा यह बात सोचेगा यार अगर करंट जीरो है तो पावर क्यों नहीं जीरो भाई क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है पी इज इक्वल टू वी आई और करंट तो जीरो है और जब करंट जीरो होगा तो पावर भी तो जीरो ही आनी चाहिए ना लेकिन बल्ब का जलना ये बता रहा है कि पावर जीरो नहीं है अब ये पावर अगर जीरो, तो जीरो तो आइए चलते हैं वापस की तरफ और इस साइकिल में वही वैल्यूज इमेजिन करते हैं अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया

एवरेज वैल्यू ऑफ पावर में आप क्या करेंगे हर point का power find करेंगे हर का तो इन points को मैं नाम दे देता देता और ये सारे points पर जो power है उनको P1, P2, P3, P4 इस तरह से कर देता हूं। अगर मैंने एवरेज पावर निकालनी है तो मैंने सारी पावर की वैल्यूज को एड करना और टोटल जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देंगे उन values को मैं कह देता हूं। अब स्टूडेंट इमेजिन करें कि हमारे पास हर पॉइंट पर जो पावर है उसका मैंने क्या बताया तो जरा स्के पुट करते हैं अब ये जो आई वन है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का करंट है आई टू सेकेंड पॉइंट का करंट है जब मैं ये करंट की वैल्यूज वो सारी साइकिल वाली यहां पुट करूंगा तो अब जरा गौर से अगर आप देखें तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होंगी क्यों भला क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इन नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर भी स्क्वायर है जब नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा और जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में ऐड होकर आंसर जीरो दे सकता है लेकिन यहां नेगेटिव वैल्यूज का भी स्क्वायर आ गया इसलिए पावर का कुछ ना कुछ आंसर आएगा यानी एवरेज पावर जीरो नहीं आएगी लेकिन एवरेज करंट जीरो आ रहा है तो आप लोगों ने गौर से मेरी बात सुनी कि हम लोगों ने यहां से क्या सीखा यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो है लेकिन एवरेज चाहिए क्योंकि एवरेज से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है रफली हो जाता है कि सर्किट का क्या कंजन है कितना कि बिल आएगा इस सर्किट का लेकिन एवरेज निकाल नहीं सकता क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी तो जीरो है लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ पावर मैंने नोट किया कि जीरो नहीं है और वो क्यों नहीं जीरो क्योंकि उसमें करंट का स्क्वेयर आ रहा है और स्क्वेयर नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है तो यहां से मेरे जहन में एक आइडिया आया और वो ये कि क्यों ना मैं ये स्क्वेयर वाली बात एवरेज निकालने के लिए यूज करूं तो जब मैं स्क्वेर वाली बात यूज करूंगा एवरेज निकालने के लिए तो स्क्वेयर आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और negative values जब positive हो जाएंगी और जब तो हम फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी बात समझी कि ये मैं क्यों सारी तमहीद बांध रहा हूं ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ के अंदर नजर आएंगी लेकिन मैं आपको यहां पर ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग गैस नहीं कर सकते कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? या RMS value का फायदा क्या है तो आप आर एम एस वैल्यू आप कह सकते हैं कि नहीं निकाल पाते हम तो एवरेज की रिप्लेसमेंट समझ लें ये एग्जैक्ट एवरेज नहीं है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आर एम एस नहीं बोलेंगे आप एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जीरो होती है लेकिन एवरेज का रिप्लेसमेंट हम यहां पर देख सकते हैं ये आर एमएस वैल्यू तो मैंने क्या देखा कि आर एम एस वैल्यू में मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया पावर से कॉन्सेप्ट लिया क्योंकि पावर में करंट का स्केयर है और आंसर जीरो होने से बच गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का square भी पॉजिटिव हो गया तो क्यों ना मैं एवरेज लेते हुए भी यही काम करूं नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि हमारे पास ये पूरा साइकिल है अगर आप इस साइकिल का इतना हिस्सा देखें तो ये साइकिल का चौथाई हिस्सा यानी कि क्वार्टर है चौथा हिस्सा है ये लेकिन आप देखें कि यही चौथा हिस्सा यहां पर भी रिपीट हो रहा है और यहां पर भी रिपीट हो रहा है लेकिन असल में क्वार्टर पार्ट है। तो मैं इस क्वार्टर पार्ट को स्टडी करूंगा जो क्वार्टर जीरो से स्टार्ट हो है, वहां पर जीरो है, और मैक्सिमम पर जा रहा है वहां पर करंट मैक्सिमम है अब स्टूडेंट्स एवरेज कैसे निकालेंगे जरा तवज्जो से देखिए सबसे पहले तो मैंने आपके सामने जो क्वार्टर बनाया असल में वैल्यू ऑफ ए ये है लेकिन मैं सिर्फ इतना हिस्सा लूंगा आप तक क्योंकि ये इसी का आगे ही फर्दर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज है उसी की ही रेपिटिशन है किस्म की यहां करंट कितना है जीरो यहां करंट कितना है आई नॉट आइए सिर्फ जीरो और आई नॉट को ही देखते हैं स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम पहले लेते थे वैल्यूज ऑफ करंट एवरेज लेने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे सारी वैल्यूज करंट की जमा करेंगे उनको ऐड करेंगे लेकिन अभी मैंने सीखा कि अगर मैं वैल्यूज जमा करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज से कैंसिल होकर आंसर जीरो आ जाएगा अभी मैंने सीखा ये तो इसका मतलब मुझे अब वैल्यूज ऑफ करंट नहीं लेनी बल्कि मुझे इन वैल्यूज का पहले स्क्वायर ले लेना है ताकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए और आंसर कैंसिल ना हो तो देखें वैल्यूज ऑफ करंट लेता तो इधर जीरो से लेकर मैक्सिमम आई नॉट तक जाता लेकिन अगर मैं स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट लूंगा तो मैं हर वैल्यू का स्क्वेयर लूंगा तो जीरो का भी स्क्वेयर होगा और जो मैक्सिमम आई नोट तक जा रहा है उसका भी स्क्वेयर होगा तो ये पहली चीज आप लोगों ने देखी कि ये क्या है स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट इसका फायदा क्या होगा स्क्वेयर ले लिया नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर जीरो नहीं आएगा अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए हमने एवरेज लेना है तो आइए इसका मीन ले लेते हैं एवरेज कैसे लेते हैं जो वैल्यूज है उनको एड करो ठीक है और जितनी वैल्यूज है एवरेज या मीन ले लिया किसका मीन लिया आप कहेंगे करंट का नहीं नहीं करंट का नहीं है ये करंट ये की वैल्यू का नहीं बल्कि करंट के स्क्वेयर्स का एवरेज है यानी मेरे पास स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट जो थी उन्हीं का मैंने मीन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा ऊपर वाली चीज मैं एज इज लिखता हूं स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट ये ऊपर वाली चीज मैंने नीचे लिख दी तो ये स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट उसको ऐड करके टू से डिवाइड कर दिया यानी कि उसका मीन ले लिया तो यहां पर एक वर्ड ऐड हो जाएगा कि अब ये क्या है ये है मीन स्क्र वैल्यू ऑफ करंट ठीक है है ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट उसके बाद स्टूडेंट्स अब मसला क्या होगा मसला ये हुआ कि जब आप आम एवरेज लेते हैं आम एवरेज में आप क्या करेंगे जीरो प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाय टू ठीक है जी जीरो प्लस आई नॉट डिड बाय टू और यहां आप क्या कर रहे हैं पहले आप जीरो का स्केर ले रहे हैं फिर आई नॉट का स्केयर ले, ले रहे फिर मीन ले रहे हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर तो बहुत कम और इसका आंसर बहुत ज्यादा का क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है अब स्क्वेयर आने की वजह से एक मसले से तो बच गए कि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी लेकिन अब दूसरा मसला आ गया और वो क्या है हमारा जो आंसर है वो स्कोर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा जो एवरेज है वो तो गलत आ मतलब अब हमें ये जो स्क्वेयर वाला इफेक्ट है इसको भी किसी तरह से कैंसिल करना है आपको मालूम है स्क्वेयर का दुश्मन कौन है अंडर रूट है क्योंकि स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल होता है तो हम उस इफेक्ट को जो स्क्र आने की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया उसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे जी ये सारी चीज जो हम लोगों ने मीन लिया हुआ था मीन स्क्वायर उसका अंडर रूट भी ले लेंगे जब मैं ये करूंगा तो ये मैंने ऊपर वाली चीज का अंडर रूट ले लिया ऊपर वाली चीज क्या थी ऊपर वाली चीज थी दोबारा लिख रहा हूं उसको नीचे ऊपर वाली चीज थी मीन स्क्वेर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ये ओपो वाली चीज थी एड क्या किया अंडर रूट तो फिर मैं लिख देता तो हूं अब ये इस पूरी चीज का मैंने अंडर रूट ले लिया तो ये बन गया रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ एसी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ एसी पहले मैंने करंट के स्क्र लिए फिर मैंने उनका मीन लिया और फिर मैंने उनका अंडर रूट ले लिया वह मैंने आपको बता दी तो क्या बन गया कि हमारे पास यह पहले स्क्र वैल्यूज ऑफ करंट थी फिर मैंने मीन लिया तो मीन वैल्यू ऑफ करंट बन गया और फिर मैंने अंडर रूट ले लिया तो रूट मीन वैल्यू ऑफ करंट बन गया स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लोग देखेंगे कि ऊपर तो जीरो एज इट इज एड हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आई नॉट का स्केयर रह जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा टू और आई नॉट का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा लेकिन नीचे अंडर रूट रहेगा ये है ये जो आई नॉट ओवर अंडर ये है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू और अगर आप गौर से देखें तो आपने नोट कर लिया होगा कि रूट का आर मीन का एम और स्क्वेयर का एस क्या बन रहा है आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी और ये ही आज का आर्टिकल था तो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू क्या है एवरेज निकालने के एक नया तरीका है लेकिन ये एवरेज नहीं होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी होती है एवरेज का मुतबादल समझ लें लेर समझ लें अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि करंट की आर एमएस वैल्यू अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ठीक है रूट मीन वैल्यू ऑफ एसी को मैं लिख देता हूं करंट की आर एमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वेयर किसके बराबर आई है किसके बराबर आई जी आई नॉट जो उसकी पीक वैल्यू है डिवाइडेड बाय अंडर रूट और वन ओवर अंडर रूट टू को आप देखेंगे सॉल्व करके आंसर आता है जीरो पॉइंट सेवन आई नॉट तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और क्योंकि करंट का जो वेव फॉर्म है बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज की भी वेव फॉर्म है तो मैं यही फॉर्मूला वोल्टेज के लिए भी लिख सकता हूं वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी नॉट ओवर अंडर रूट टू स्टूडेंट्स इसको भी मैं लिख सकता हूं कि जीरो पॉइंट नॉट तो ये तो हो गया फॉर्मूला इस फॉर्मूला में एक खास बात और वो क्या है कि जो आर एम एस वैल्यू है जो आर एम एस वैल्यू है वो पीक वैल्यू का जीरो पॉइंट सेवन है जीरो पॉइंट सेवन को मैं लिख सकता हूं सेवनटी ओवर हंड्रेड क्योंकि सेवनटी ओवर हंड्रेड जीरो पॉइंट सेवन बनता है और 70 ओवर 100 का खास मतलब बनता है देखें आपका रिजल्ट भी ऐसे आता है कि आपके 70 नंबर हैं 100 में से तो आप क्या कहते हैं मेरे 70 फीसद नंबर हैं तो 0.7 को क्योंकि मैं 70 ओवर 100 लिख सकता हूं और 70 ओवर 100 को मैं क्या कह सकता हूं 70 परसेंट तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये आर एम वैल्यू पीक वैल्यू का सेवनटी होती है बिल्कुल इसी तरह से वोल्टेज के केस में भी मैं कह सकता हूं वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होती है या सेवेंटी परसेंट ऑफ पीक वैल्यू होती है तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स याद रखिएगा तो अगर आपको पीक वैल्यू मालूम हो तो आर एमएस वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद सर आज डेफिनेशन लिखवाना भूल गए नहीं डेफिनेशन लिखवाना भूला नहीं हूं क्योंकि डेफिनेशन के लिए आज आपको ये सारा प्रोसीजर जानना जरूरी है अब वो प्रोसीजर से ही डेफिनेशन निकलेगी आप लोगों ने क्या किया स्टेप बाय स्टेप देखें आपने स्क्वायर लिया पहले करंट का ताकि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए फिर आपने मीन लिया क्योंकि हम एवरेज ही निकालने की कोशिश कर रहे थे और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि स्क्वायर लेने की वजह से एवरेज की वैल्यू असल एवरेज से बहुत ऊपर चली गई थी तो अंडर रूट उसका आंसर को थोड़ा सा नीचे ले आएगा तो आपने स्क्वायर लिया फिर आपने मीन लिया और फिर आपने रूट लिया जहां से बना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी तो यहां से हम यही डेफिनेशन बना लेते हैं कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ करंट ठीक है वही जो मैंने कुछ किया है तीन स्टेप्स में वही लिख रहा हूं ये क्या है ये रूट लेना है किसका रूट लेना है मीन ऑफ स्क्वेयर वैल्यूज ऑफ

वेव फॉर्म है आप लोगों के सामने यहां पर आप देख रहे हैं जिसकी पीक वैल्यू आप देख रहे हैं टेन एम्पियर है तो इसकी आर एम एस वैल्यू कितनी होगी याद रखिएगा इसकी आर एम एस वैल्यू मैंने बताया कि वैल्यू टाइम्स द पीक वैल्यू होती है अब पीक वैल्यू टेन एम्पायर है तो जब जी है है। ये जीरो पॉइंट सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा यानी यह होगी इसकी आर एम एस वैल्यू इसका क्या मतलब है हर वक्त सेवन एम्पायर रहेगा नहीं इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम सेवन एमपेयर है नहीं तो फिर इसका कमर्शियल बेनिफिट क्या है फायदा क्या है एडवांटेज क्या है याद रखिएगा वैल्यू को हम डीसी भी कहते हैं यानी कि अगर मेरे पास ये एक वेव है जिसमें पीक वैल्यू टेन एम्पेयर है तो इसकी आरएमएस वैल्यू सेवन एम्पेयर है यह सेवन एम्पेयर में क्या बताना चाह रहा हूं आपको इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स आपकी इस वेव फॉर्म का एक घंटे का जो बिल है जो कंज़म्पशन है वो उतनी ही है जितनी एक सात एम्पेयर के डीसी सोर्स की एक घंटे की कंज़म्पशन है दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास अगर टेन एम्पेयर पीक वाली ए सी एक घंटे तक आपको पावर देती रहे तो जो कंजम्पशन होगी ये जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो उतना ही होगा जितना सेवन एम्पेयर वाला सेल जो है वो एक घंटे तक देता रहे यानी आपने इसको डीसी के इक्विलेंट करके देख लिया तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा कि इसको हम डीसी इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं और आरएमएस वैल्यू अगर आपको कोई बताए तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि सेवन एम्पेयर बह, बहता रहेगा इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैक्सिमम है नहीं इसका ये मतलब है कि इस पूरी वेव का कुल मिलाकर इफेक्ट ऐसा ही है जैसे कांस्टेंट अगर सेवन एम्पेयर आपको मिलता रहे अब स्टूडेंट्स आइए यहां पर यह बात खत्म नहीं हुई एक आखिरी चीज आज की रहती है और वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन अब हम लोगों ने कैसे करनी है यानी ये जो सारी चीज़ मैंने आपके सामने की है इसको ग्राफ के ऊपर कैसे शो करूं तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्राफिकल क्या होगी स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरी करना एक्सप्लेन करना अब यहां पर जो हम लोगों ने पहले सारे स्टेप्स मैथमेटिकली किए वो अब आपके सामने ग्राफिकली करेंगे अब वो तीन स्टेप्स जो मैंने आपके प्रीवियस बोर्ड पर रखे हैं उनको एक दफा दोबारा से देखते हैं और देखते हैं इनको मैं ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करूंगा तो स्टूडेंट्स वो तीन स्टेप्स हैं पहले स्क्वायर लेना है फिर मीन लेना है एवरेज लेना है उसमें आप टू से डिवाइड करेंगे और फिर आपने अंडर रूट ले लेना है अब स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप देखते हैं स्क्वायर लेना है आप लोग अगर ये काम ना भी करें तो आप लोगों को इतना तो जरूर पता है कि जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 70 परसेंट है यानी अगर मेरा जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है जिसमें पीक वैल्यू आई नॉट है तो आप लोग इस पे बगैर कुछ किए किएस वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आर होता है वैल्यू पहले थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे ये सारी पीक वैल्यू है और 50% अगर मैं आपसे बोलूं तो 50% क्या होता है 50% का मतलब होता है आधा जैसे आपसे कोई पूछे कितना काम हुआ है तो अगर आपका आधा काम हुआ तो आप कहते हैं 50% हो गया तो 50% परसेंट हाफ होता है तो अगर मैं इसका बिल्कुल हाफ लू तो वो इतना बनता है ये पीक वैल्यू का फिफ्टी परसेंट बन रहा है तो आर एम एस वैल्यू क्या होती है पीक वैल्यू का सेवेंटी परसेंट तो फिफ्टी से थोड़ा सा ऊपर रफली यहां पर सेवेंटी परसेंट ऑफ पीक वैल्यू होगा और ऑफ पीक वैल्यू क्या होता है आर एम एस वैल्यू तो ये पॉइंट जो है ये आर एम एस वैल्यू होगा तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि ये आर एम एस वैल्यू है तो आर एम एस वैल्यू मैंने आपके सामने बगैर कुछ किए प्लॉट कर लिया ले, लेकिन आज का काम ये नहीं कि आपने बगैर कुछ किए या लॉजिक लगाकर प्लॉट करना नहीं आज आपने इन स्टेप्स के जरिए प्लॉट करना है तो इसमें पहला स्टेप क्या है स्क्वेयर हमने सबसे पहले लिया था करंट के तो ये मेरे पास जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है अब इस पे आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट जो है उनकी डिफरेंट वैल्यूज है तो फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्क्र लेता हूं करंट का क्योंकि पहला स्टेप तो यही है तो ये जो प्लस टू लिखा है यहां पर तो इसका स्क्यर तो प्लस फोर होगा वो तो काफी ऊपर चला जाएगा और ये जो प्लस थ्री लिखा है इसका तो प्लस नाइन होगा वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा तो अगर आप इसी तरह हर पॉइंट का स्केयर लें तो आपके पास ये करवाएगी ये जो कर्व है ये करंट की वैल्यूज नहीं बता रही यह करंट की वैल्यूज का स्क्वायर बता रही है और इसी तरह से अगर ये आई नॉट था तो फिर ये जो हमारे पास है ये उस आई नॉट का स्क्वायर होगा तो इसे हम आई नॉट का स्क्वायर कह देते हैं स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इस कर्व का ये वाला ग्राफ आया तो फिर इसी तरह से जो नेगेटिव कर्व होगा उसका बिल्कुल ऐसा ग्राफ आएगा इस डायरेक्शन में नहीं क्यों भला स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप वही वैल्यूज यहां पर भी इमेजिन करें अगर यहां पर माइनस टू है और जब आप उसका स्क्यर लेंगे तो माइनस टू का स्केर माइनस फोर नहीं होता नेगेटिव वैल्यूज का स्क्र भी पॉजिटिव होता है तो माइनस टू का स्केर वही प्लस फोर होगा और माइनस थ्री का स्केर वही प्लस नाइन होगा इसका मतलब यहां पर हमारे पास ग्राफ ऊपर को ही बनेगा तो फिर हमारे पास बिल्कुल ऐसी ही कर्व ये आएगी तो आप लोगों ने यहां पर ये कर्व्स ड्रॉ कर लें ये जो कर्व्स हैं ये क्या बता रही हैं ये कर्व्स बता रही हैं कि ये करंट की वैल्यूज का ग्राफ नहीं है बल्कि करंट की वैल्यूज का स्क्वेयर का ग्राफ है क्यों लिया था स्क्वायर वो पुरानी बात हुई आपको बता चुका हूं दूसरे स्टेप में क्या है। पहले मैं ये बताता चलूं। कि ये जो नई पीक है वो पीक वैल्यू तो कह देता हूं और मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो आपको सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था मीन लिया था उसका रिजल्ट क्या आया था आई नॉट नॉट का स्क्वायर से टू से डिवाइड करना पड़ा टू से कब डिवाइड करते हैं जब किसी चीज को आधा करना हो तो यानी आप आई नॉट को स्केयर को आधा कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में तो ग्राफ के ऊपर आपको मालूम है ये है आई नॉट का स्केयर तो आई नॉट के स्केयर को आधा करने का मतलब है कि आप ये हाफ पर आ जाएं ये आई नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय टू आ गया ये क्या है ये सेकेंड स्टेप का रिजल्ट आया और सेकेंड स्टेप का जो रिजल्ट है वो मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ए सी बता रहा है यानी ये जो पॉइंट है आई नॉट स्केयर डिवाइड बाई टू ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट i नॉट स्क्वायर ओवर 2 आखिरी स्टेप में हम लोगों ने क्या किया अंडर रूट ले लिया तो वही जो i नॉट स्क्वायर ओवर 2 था जो ऊपर वाले स्टेप में आ चुका था उसके ऊपर बस एक अंडर रूट लगा देना अंडर रूट क्या करता है 4 का अंडर रूट 2 आता है आंसर कम हो गया 9 का अंडर रूट 3 आता है आंसर कम हो गया 16 का अंडर रूट 4 आता है आंसर कम आ गया इसका मतलब अंडर रूट से आंसर कम आता है तो हमारे पास i नॉट स्क्वायर ओवर 2 का अंडर रूट लेना है i नॉट स्क्वायर ओवर 2 ग्राफ के ऊपर ये मैं आपके सामने प्लॉट कर चुका हूं तो जब इसका अंडर रूट लेंगे और I not over under root two क्या है root, mean, square value, RMS value. ये है यानी ये हमारे पास RMS value. और ये वही है जो मैंने आप लोगों के सामने पहले लॉजिकली भी ड्रॉ किया तो इस तरह से हम ग्राफिकली वो सारे काम वो सारे स्टेप्स जो मैथमेटिकली किए थे ग्राफिकली भी बता सकते हैं अब स्टूडेंट्स आज की आखिरी बात बिल्कुल आखिरी लाइन और वो ये है कि आपका जो

अगर उसके ऊपर मेंशन है कि भाई वो पीक वैल्यू बताने के लिए फिर वो मामला है तो उस सूरत में तो हम नहीं देखेंगे लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर याद रखिएगा वो कौन सी वैल्यू बता रहा होता है RMS. और याद रखिएगा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में में भी ऐसा ही होगा में अगर आपको वो कोई वोल्टेज दे देता है फॉर एग्जाम्पल वो वोल्टेज देता है टू ट्वेंटी वोल्ट तो वो आर वोल्टेज होगी हो सकता है वो कहे भी ना उसको कहना जरूरी नहीं है क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट्स को यह बात कंफर्म होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर अगर हमें खाली वोल्टेज या खाली करंट की बात करेंगे उसके साथ पीक या कोई और नहीं लिखते तो फिर वो ऑब्वियस हो जाएगा मैं आर बात कर रहा हूं इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके घरों के अंदर जो एसी मीटर लगे होते हैं जो स्विच बोर्ड में लगे होते हैं तो वो जो आपको वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रहे होते हैं फॉर बता रहे हैं तो ये 220 ट्वेंटी वोल्ट कौन सा करंट बता रहे हैं वो आपको ये आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता रहे हैं इसका मतलब ये पीक वैल्यू नहीं है आपकी आर एम एस वैल्यू टू ट्वेंटी वोल्ट है तो फिर जो पीक वैल्यू है वो तो 220 ट्वेंटी वोल्ट से ज्यादा होगी वो तकरीबन 315 314 वोल्ट्स तक जा रही होती है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल आई होप कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और रूट मीन के वैल्यू से नेक्स्ट टाइम आप घबराएंगे नहीं बल्कि इसको एंजॉय करेंगे तो आपसे अब इनशा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज